हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या हम अपनी थिंक फ्रेम जर्नी के बारे में अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा इस तरह से बताना चाहूँगी कि जब हम इस जर्नी में निकल रहे होते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम लोगों का दिल करता है कि हम किसी के साथ शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को किसी को बताएं। लेकिन हम जिस तरह से सोच रहे होते हैं या जिस तरह से इस जर्नी को समझ रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है दूसरों के सामने, क्योंकि दूसरे जिसके सामने हमने अपनी जर्नी के बारे में बताना है, वो उसको उस तरीके से नहीं समझेगा जिस तरीके से आप समझ रहे हो, या आप जिस तरीके से उनको बताना चाहते हो वो उस तरीके से उसको उस नज़रिए से नहीं देखेगा आपकी जर्नी को। हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये टोटली एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, हमारे अपने अपने बारे के ज्ञान के बारे में है, हमारे अपने डिवाइन के ज्ञान के बारे में, हमारे उस यूनिवर्स के ज्ञान के बारे में है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और ये कब शुरू हुआ हमें ये भी नहीं पता। तो जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति है वो भी विशाल हो जाती है, उसका भी कोई दायरा ही नहीं होता। हमारा जो सोचने और समझने का नज़रिया है वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है दूसरों के सामने। वही जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या जो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो, वो वही समझ सकता है जो इस ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ होगा, या वो जो इस जर्नी में होगा, या वो इस जर्नी से निकल चुका होगा, वही आपके बातों को अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने एक दायरा बना रखा हुआ है, क्योंकि अभी वो 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने हर चीज़ में एक दायरा बना रखा है, हर चीज़ में एक लिमिट बना रखी है, वो उस दायरे को पार ही नहीं करना चाहते, वो उस दायरे के आगे बढ़ ही नहीं पाते, और ना ही उस दायरे से निकलकर कुछ सोचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही इसी तरह से डेवलप हुई है। जैसे मान लीजिए कि एक हम जब 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े होते थे, तो हम देखते हैं कि सबका जो नज़रिया है वो एक, उन्होंने हर चीज़ को एक टाइम में और एक एज में फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम पीरियड में लड़का और लड़की की शादी होनी चाहिए इस एज में, ठीक, और इस टाइम इस एज में इनके बच्चे होने चाहिए, इस एज की लड़की होनी चाहिए और इस एज का लड़का होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, तब परफेक्ट कपल बनते हैं, और इस एज में जाकर इनको धर्म कर्म के काम करने चाहिए। मीन्स हर चीज़ में इन्होंने एक लिमिट बना रखी है। लेकिन हम अब आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ गए हैं, हम अपने डिवाइन के साथ जुड़ गए हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि हम लोग क्या हैं, हम तो एक एनर्जी हैं, हम तो एक सोल हैं जिसका कोई ना तो कोई अंत है और ना ही कभी कोई शुरुआत। हमें पता है कि हमारी शुरुआत कब हुई है, जब हमसे भी आने से पहले पता नहीं कितनी के सोल्स जहाँ धरती पर आ चुकी हैं, तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। मतलब मीन्स कोई लिमिट ही नहीं है, हम उस ज्ञान के साथ जुड़ गए, और ना ही जब हम नीचे आए थे, ना ही डिवाइन ने कोई हमें कोई लंबी चौड़ी कोई लिस्ट दी थी, कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोला था कि भाई आप जा रहे हो तो आपने ये रूल फॉलो करने हैं, और इस एज में ये करना है, और इस टाइम पीरियड में ये करना है। अब हमें पता चल रहा है ना कि हम तो एक सोल हैं, हमारी तो कोई एज लिमिट भी नहीं है, हमारे जो सोचने का दायरा है वो भी कोई दायरा नहीं है, हम तो आज़ाद हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी हद तक भी सोच सकते हैं, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे और इनमें, इनकी सोच में काफ़ी फर्क है। अब हम हाई लेवल पे सोचते हैं, ये दायरे में रहकर सोचते हैं, हमारे सोचने का दायरा है ही नहीं, हम अनलिमिटेड सोचते हैं, हमारे जो सोचने का दायरा है उसका कोई दायरा ही नहीं है, ये दायरे से आगे नहीं बढ़ेंगे।
ये जिस तरह से आप उनको बताना चाहते हैं ये उस तरीके से बात को नहीं समझेंगे, या जिस नज़रिए से आप अपनी जर्नी को देखते हैं ये उस नज़रिए से अपनी जर्नी, आपकी जर्नी को नहीं देखेंगे। ये सिर्फ उसी तरीके से आपकी बात को समझेंगे, उसी नज़रिए से आपकी जर्नी को देखेंगे जहाँ तक इनकी सोच है और जहाँ तक इनकी सोचने का नज़रिया है, बस वहीं तक। अब आप पर डिपेंड करता है, आपने अपनी समझ से काम लेना है, आपने देखना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स किस नज़रिए से और किस सोच के साथ चलते हैं। क्या वो उसी तरीके से समझेंगे जिस तरह से आप उनको समझाना चाहते हैं, या जिस तरीके से आप बताना चाहते हैं क्या वो उसी तरीके से उस जर्नी उसी नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटली आप पर डिपेंड है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी, अपनी जर्नी के बारे में भी, आगे बढ़िए, खुश रहिए। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।